दर्शकों नमस्कार, ज्योतिष मंच के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश कुमार। सबसे पहले दर्शकों, ज्योतिष मंच की तरफ से आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं इस मंच पर हमारे ज्योतिष वास्तु विशेषज्ञ व हमारे हिंदू धर्म गुरु गुरुदेव डॉक्टर एच एस रावत जी, जो कि हमेशा ज्योतिष में रिसर्च करते रहते। हमारे हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हमेशा आपको हिंदू धर्म के लिए लड़ते नजर आते हैं। उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं हिंदू धर्म के ऊपर, हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। वो हमेशा चिंतन मनन में लगे रहते हैं नई नई जानकारियों को हासिल करने के रूप में। गुरु जी हमेशा से हाल फिलहाल के एक प्रोग्राम में गुरु जी को मुख्य अतिथि के रूप में भी लिया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन था, जहां पे गुरु जी को लाइव ऑनलाइन प्रश्नों को पूछने का वहां पे जो आए हुए ज्योतिष जो थे, बहुत सारे ज्योतिषी आए थे अलग अलग स्टेट से, वो लोग सभी लाइव गुरु जी से क्वेश्चन पूछे और गुरु जी ने बहुत ही बेबाकी तरीके से उसका जवाब दिया। दर्शकों, वो हमारे वीडियो आप YouTube पे देख सकते हैं, वो अभी भी अवेलेबल है। तो दर्शकों, इसी श्रृंखला में आज हम गुरु जी से जानेंगे हनुमान जयंती के ऊपर कि गुरु जी क्या कहते हैं हनुमान जयंती में, उसका रहस्य के बारे में जानेंगे। हनुमान जयंती के बारे में उसका गहरा रहस्य क्या है, उसके बारे में गुरु से जानेंगे। तो गुरु जी हमारे दर्शकों को बताएं कि हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी का रहस्य क्या है। जी जी अखिलेश जी, मित्रों, जैसा कभी पिछले 4 दिनों से हम ट्रैवलिंग पर थे, रूट पर थे, तो आपसे संपर्क नहीं हो पाया, और जो प्रोग्राम था लाइव उसमें हम आपसे मिले थे। सबसे पहले तो मैं इस आध्यात्म मंच की ओर से आप सभी दर्शकों को, अपने शिष्यों को, अपने बड़ों को, अपने गुरुओं को, आध्यात्म गुरुओं को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जो कवि होता है, कवि की कल्पना एक रवि की किरणों की तरह होती है। जैसे एक रवि की किरणों का प्रकाश हर जगह पहुंच जाता है, और कभी कभी वहां पहुंचता भी नहीं, तो वहां कवि की कल्पना चली जाती है। तुलसीदास जी ने बहुत विस्तृत जानकारी हमें दी है हनुमान जी के बारे में, लेकिन उनके लिए जो हमारे और हिंदू धर्म के लोग हैं, उन्होंने उनको एक बानर की उपाधि दे दी है, उनकी एक पूंछ लगा दी है। लेकिन जिस समय हनुमान जी पैदा हुए, उस समय के जन्म की कथा, हनुमान जी का जन्म कैसी परिस्थितियों में हुआ, क्या हनुमान जी बंदर थे, क्या हनुमान जी बानरों के साथ रहते थे, क्या वाकई हनुमान जी का बंदर जैसा मुंह था, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिंदू धर्म में हमें भी बचपन में बड़ी तकलीफ देती थी। और इसका मैंने चिंतन किया, मनन किया, पुराणों का अध्ययन किया, उपनिषदों को भी अध्ययन किया, वेदों का भी अध्ययन किया, शास्त्रों को भी पढ़ा, तो मुझे लगा ऐसा नहीं हो सकता, ये कवि की कल्पना होती है, और कवि अपनी कल्पना में अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है, और एक उपमा अलंकार जो होता है, उसमें बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को लिख देता है। आज मैं आपको, आपके दिमाग में भी हो सकता है मेरे जैसे ही प्रश्न कुलबुला रहे होंगे, हनुमान जी की पूंछ कैसे लगी, पूंछ में आग कैसे लगी, क्या उनकी पूंछ थी? उनकी पूंछ नहीं थी, और वो बंदर भी नहीं थे, ये सच है। हमारे इतिहास और पुराण का अगर हम शोध करते हैं और गहराई के साथ मंथन अगर करते हैं, तो ये सच है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, वो बहुत बड़े योगी थे। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रूफ रखूंगा, ऐसे प्रमाण रखूंगा कि आज के बाद आप उनको बंदर नहीं मानेंगे, और आपके दिल में उनके प्रति श्रद्धा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आज मैं आपको उस इतिहास में लेकर के चलना चाहता हूं जब हनुमान जी का जन्म हुआ था, और किन परिस्थितियों में हनुमान जी का जन्म हुआ था, क्या वो शादीशुदा थे, और जो उनके पुत्र थे क्या वो मछली के पेट से पैदा हुए थे, ये सारे जो रहस्य हैं इनसे आज मैं पर्दे हटाऊंगा, और इन रहस्यों को आप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेंगे। मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले
कि जो माता अंजना थी, हनुमान जी की माँ थी, वो महीव्रत केतु एक राजा थे, उनकी पुत्री थी अंजना। और अंजना का जो विवाह हुआ था, राजा महेंद्र थे, महेंद्र के पुत्र पवन थे, उनके साथ विवाह हुआ था। अंजना का और पवन जी का इनका विवाह हुआ था, इसलिए अंजनी पुत्र पवन सुत धामा है ना, यानी पवन और अंजनी के पुत्र को हनुमान जी। अब दो राजा हैं, एक राजा महीव्रत केतु, उनकी पुत्री का नाम अंजना है, और एक राजा महेंद्र, उनके पुत्र पवन, उनके पुत्र हनुमान जी। यानी दो राजा और उनके बच्चों से पैदा होने वाली संतान जी। तो बंदर नहीं हो सकती, बिल्कुल ये सच है। आज मैं इस रहस्य भी पर्दा हटाऊंगा कि क्या सूर्य को निगल लिया था हनुमान जी ने, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। पहले हम उनके जन्म के ऊपर चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हनुमान भक्त भी हूं। वैसे तो मैं जितने भी हमारे योगी हुए हैं उनका ही भक्त हूं, जिसमें भगवान कृष्ण बहुत बड़े योगी थे, और फिर हनुमान जी और राम का नंबर आता है उनके बाद योगियों में, क्योंकि योगी इस ब्रह्मा जी के बनाए हुए सिस्टम को समझ सकता है। तो जब किसी विपता के कारण इनका परिवार जंगल में रहता था, राजा महेंद्र जी का, और फिर उन्होंने दोबारा अपना राजपाट जीत लिया तो महलों में रहने लगे। रानी जो अंजना थी, माता जो अंजना थी, राजकुमारी थी, तो जो पवन थे, राजा पवन, उनके पास रावण आए थे। रावण ने कहा था कि महाराज मैं लंका जीतना चाहता हूं और कुबेर के साथ मेरा युद्ध होने वाला है, क्योंकि लंका कुबेर की थी जी। रावण से पहले वहां के राजा कुबेर थे। तो पवन से सहायता मांगी कि मैं कुबेर को जीतना चाहता हूं और आप अपनी सेना लेकर के मेरे साथ चलिए और युद्ध करिए। राजा पवन ने हां कर दी, और नई नई शादी हुई थी उनकी, उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूं। तो राजा पवन सेना लेकर के चल दिए। बहुत दूर था, रास्ते में एक पेड़ के नीचे वो सो रहे थे, उनका मंत्री भी साथ था। तो पेड़ के ऊपर दो पक्षी जी। एक चिड़ा और एक चिड़िया ऐसे अलग अलग बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे जी। उस बातचीत को सुनकर के राजा पवन ने कहा कि मंत्री को कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कोई इनकी बात को कोई जानने वाला है जो पक्षियों की आवाज को समझता हो। उन्होंने कहा हाँ महाराज, हमारे यहां पर एक हमारे इसी में एक मंत्री हैं, वो जानते हैं, उनको बुलाओ। तुमने पूछा कि क्या कह रहे हैं दोनों, वो ये कह रहे हैं कि हम दिन में तो साथ साथ रहते हैं और रात में अलग क्यों हो जाते हैं, हम एक साथ नहीं रहते दोनों रात में, और जब हम दोनों साथ रहेंगे तो ही ब्रह्मा की सृष्टि चल सकती है, और जो पितर याग होता है यानी पितरों का जो याग है, यानी पितरों की सृष्टि को बढ़ाने का जो काम है, वो भी हमें ही करना पड़ेगा। दोनों पक्षी आपस में ये बात कर रहे हैं कि हे प्रेमी, हे प्रेमिका, अब हमें ये सोचना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की है जी। तो हमें संसर्ग करके एक हमें बच्चों को जन्म देना चाहिए, अंडे देने चाहिए जी। इस बात को सुनकर के राजा पवन का मन हिल गया। उन्होंने सोचा मैंने तो ब्रह्मा जी के इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए सोचा ही नहीं। वहां से वो वापस आते हैं, आकर के महल में आते हैं, और जो माता अंजना थी, रानी अंजना थी, उनसे मिल करके वो चले जाते हैं, और यो युद्ध के लिए जाते हैं। युद्ध लड़ते लड़ते बड़ा समय बीत गया, वो समय पर वापस नहीं आए, और माता अंजना गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई तो जो राजा महेंद्र थे, जो पवन के पिताजी थे, उन्होंने इस बात को समझा कि जो माता अंजना हैं ये कलंकित हैं,
इनका गर्भ जो धारण हो गया है ये गलत हुआ है और अपने राजा के कानून के हिसाब से काले घोड़े पर, काले रथ के ऊपर, और उनको घर से बाहर निकाल दिया। वो कजरी वन में चली गई, कजरी वन में रहने लगी। लेकिन जब वो कजरी वन में थी तो बहुत तपस्वी थी। माता अंजना सूर्य की उपासक थी, वो सूर्य के बारे में सोचती रहती थी, वो सूर्य की किरणों का पान करती थी। वो सुबह सुबह जब सूर्य की आभा आती थी तो उस समय पान करती थी। वो चाहती थी कि मेरा बेटा सूर्य पुत्र की तरह सूर्य के विज्ञान को जानने वाला बने। और जब वो गर्भ में थी तब भी वो सूर्य की किरणों का आहार किया करती थी निहार होकर के। ये मैं बताऊंगा विज्ञान कि एक गर्भवती महिला को अपने बेटे को सूर्य जैसा वज्री बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी बताऊंगा। लेकिन आज तो सिर्फ हमारे प्रिय हनुमान जी जी योगी जी का जन्मदिन है तो उसी विषय पर उनके बारे में इस बहाने से आपसे वार्तालाप हो जाएगी तो हमारी भी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। तो माता अंजना कजरी वन में वो तप करती रहती थी और सूर्य को ध्यान करती थी। अपने पेट को नग्न करके सूर्य की किरणें जो आती थी नाभि के चक्र के माध्यम से ग्रहण करती थी। और वो वक्त आ गया जब पवन पुत्र और अंजना पुत्र हनुमान जी का जन्म होना था और वो जन्म उनका हो गया। वहीं से विमान के द्वारा माता अंजना के मामा भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि प्रसव पीड़ा किसको हो रही है इस जंगल में। तो उन्होंने अपने विमान को उतार दिया और उतारने के बाद देखा ये तो मेरी भांजी है और वो बच्चे को जन्म दे चुकी थी। और हनुमान जी जब पैदा हुए तो सूर्य की तरह आभा थी उनकी, वो ऐसे चमक रहे थे जैसे सूर्य चमकता है। और इसको देख करके उनके जो मामा थे हनुमान जी के वो डर गए। उन्होंने कहा कि पुत्री ये तो कोई विलक्षण बच्चा जन्म लेके बैठा हुआ है। और इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था हनुमान जी का, जब वो विमान से जा रहे थे तो वो इतने एक्टिव थे पैदा होते ही कि वो क्रियाएं करने लगे, खेलने लगे और खेलते खेलते विमान से नीचे गिर गए। नीचे जब गिर गए तो इनका जो मुंह था वो जो यहां से थोड़ा सा अंदर हो गया। अंदर होने के कारण जो ये ठोड़ी होती अंदर चली गई तो मुंह में थोड़ा सा टेढ़ापन आ गया। उन्होंने विमान नीचे उतारा, अंजना जी ने कहा मेरा पुत्र तो यही की था मर गया होगा। जब नीचे गए तो हनुमान जी हंस रहे थे। फिर उनको लेकर के उनके मामा अपने राज में लेकर के आ गए। उधर राजा कुबेर के साथ रावण का युद्ध चल रहा था और पवन जी उनकी मदद कर रहे थे, हनुमान जी के पिता। उसके बाद में जब वहां से वो युद्ध जीत करके आते हैं तो अपने घर पे आते हैं, पूछते हैं अपने पिता से कि हे पिताजी अंजना कहाँ है। उन्होंने कहा बेटा अंजना तो हमने कजरी वन में छुड़वा दी थी कि उसने एक अपराध किया था कि उसने एक गर्भ धारण कर लिया था। उन्होंने कहा आपने बहुत बड़ी गलती की है, वो तो मेरा ही पुत्र था, वो मेरी गर्भवती थी, मैं ही आया था एक दिन रात को, मैंने एक चिड़िया और चिड़े की बातचीत सुनी थी, उसको सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैं पहले गर्भ धारण करूं, क्या पता युद्ध में मर ना जाऊं, इसलिए मुझे एक पुत्र तो चाहिए जो पितृ याग हो और वो उसे ब्रह्मा की सृष्टि को मैं चला सकूं। तो बड़ा पछतावा हुआ राजा महेंद्र को। उन्होंने बताया कि हमने तो जंगल में छुड़वा दिया था। तो महाराज पवन जंगल में घूमते रहे घूमते रहे, आखिर वहां पर माता अंजना की एक अंगूठी उनको मिल गई और अंगूठी मिलने के कारण उनको पहचान लिया। उन्होंने कहा कि वो तो मर चुकी है, जंगल में किसने मार दिया होगा। और वो वहां पर अग्नि समाधि लेने लगे। जब अग्नि समाधि लेने लगे तो इतनी देर में वहां पर अंजना पहुंच जाती हैं। उन्होंने कहा महाराज ऐसा मत करिए, मैं जिंदा हूं। फिर दोनों महलों में आ जाते हैं और महलों में रहने लग जाते हैं। इतर माता अंजना सूर्य विज्ञान को जानती थी, माता अंजना सूर्य के सिद्धांत को जानती थी, माता अंजना बहुत बड़ी सूर्य सिद्धांत की उपासक होने के कारण बहुत बड़ी ज्योतिषी थी, जिस प्रकार से मंदोदरी बहुत बड़ी ज्ञानी थी, जिस प्रकार से सुभद्रा बहुत बड़ी ज्ञानी थी, उसी प्रकार से माता अंजना ने जैसे सुभद्रा को चक्रव्यूह
तोड़ने का तरीका अर्जुन बता रहे थे और अभिमन्यु सुन रहे थे। ऐसे ही 9 महीने माता अंजना ने सूर्य के सिद्धांत को, सूर्य के विज्ञान को गर्भ में पल रहे अपने पुत्र हनुमान को बताया था और वो सुन रहे थे और उसके बाद उनको शिक्षा दी। जब हनुमान जी पढ़ने लगे तो इनके गुरु थे वो सुरेश्वर ऋषि नाम के गुरु थे, वो भी सूर्य सिद्धांत को बहुत जबरदस्त जानते थे कि सूर्य को, सूर्य कैसे रोशनी देता है, सूर्य घूमता कैसे है, सूर्य के अंदर कौन से अणु, परमाणु, महाणु, त्रिशेणु, महात्रिशेणु हैं जिसके कारण इसकी ऊर्जा कभी समाप्ति नहीं होती है। तो ऋषि सुरेश्वर जी ने उनको ज्ञान दिया था। जब वो थोड़े बड़े हुए तो जंगल में तप के लिए चले गए। तप के लिए हनुमान जी चले गए तो 48 वर्ष की उम्र तक इन्होंने तप किया। जब 48 वर्ष तक तप किया, तप करने के बाद आए, सूर्य सिद्धांत को जान गए पूरे को, सूर्य की एक एक किरणों को समझ गए थे हनुमान जी कि सूर्य की ये वाली किरण नीलम पैदा करती है, सूर्य की ये वाली किरण सोना बनाती है, सूर्य की ये किरण जल बनाती है, सूर्य की ये किरण अन्न देती है, ये किरण गेहूं देती है, ये सूरजमुखी का पौधा देती है और ये मनुष्य के जीवन को चलाती है और सूर्य की ये किरण आत्मा होती है। 48वें वर्ष में हनुमान जी का विवाह हुआ था। आज मैं उन दंत कथाओं को यहां पर साइंस में बदलने की कोशिश कर रहा हूं। हनुमान जी का विवाह हुआ था सुग्रीव की बेटी के साथ। बाली और सुग्रीव का आपने नाम सुना होगा और ये फिर वहीं पर रहने लगे थे। उनके एक पुत्र हुए मकरध्वज और उस पुत्र को जन्म देने के बाद हनुमान जी की जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तब उनके माता पिता ने कहा, अंजना ने और पवन जी ने, कि तुम दूसरा विवाह कर लो। उन्होंने कहा, नहीं माता, मैं अब आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरे पिताजी पवन जी ने ब्रह्मा जी के सिस्टम को चलाने के लिए मुझे पैदा किया और मैंने ब्रह्मा जी को सिस्टम को चलाने के लिए मकरध्वज को पैदा कर दिया और वो पाताल लोक के राजा थे। उस समय पाताल लोक बाली के अंडर था, सुग्रीव और बाली के अंडर था। तो सुग्रीव की जो पुत्री थी वो हनुमान जी की पत्नी थी। 48 साल की उम्र के बाद एक बेटा हुआ, उसके बाद इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। जैसे भीष्म पिता में तो बचपन से ही थे, लेकिन उन्होंने भी ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब मैं शादी नहीं करूंगा और अब मैं और योग के बारे में और तप करूंगा और सूर्य के सिद्धांत को दुनिया के सामने लेके आऊंगा। हनुमान जी ने 2000 पेज का उस समय पर एक ग्रंथ लिखा था सूर्य सिद्धांत के बारे में। उसकी लिपियां आज भी हमारे पास सूर्य सिद्धांत के रूप में हैं, जो ज्योतिष के अंदर बहुत बड़ी हमारे पास काम करती है, ज्योतिष की गणना। हनुमान जी ने ही बताया था कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, दिन रात कैसे होते हैं, इनकी स्पीड क्या है, इनकी कैलकुलेशन क्या है, सूर्य कैसे ग्रहों को चलाता है, कितनी कितनी डिग्री से चलाता है। यह सिर्फ हनुमान जी का दिया हुआ हमारे पास 2000 पेज का ग्रंथ था। ये थे हनुमान जी जिन्होंने इस दुनिया को, लेकिन लोग बोलते हैं कि उन्होंने सूर्य को निगल लिया था। सूर्य को निगला नहीं था उन्होंने। सूर्य को निगलने का मतलब क्या, अगर मैं सूर्य की हर विद्या को, हर तरंग को और हर किरण को मैं जान जाऊं, सूर्य के सिस्टम को समझ जाऊं, तो मैं कहूंगा सूर्य तो मेरी मुट्ठी में है। क्या जैसे अभी हम कहते हैं ज्योतिष हमारी मुट्ठी में, ज्ञान हमारी मुट्ठी में, हमें हनुमान चालीसा रटा हुआ हमारी मुट्ठी में है। तो उसको कहने का तात्पर्य है, जो अतिशयोक्ति अलंकार में जो व्यक्ति, जो कवि होते हैं या जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, वो लिख देते हैं बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को, लेकिन सूर्य को तो अंदर कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य की किरणों से जो डेवलप हुआ हो, सूर्य की किरणों से गर्भ के अंदर जो बच्चा पला बड़ा हो, वो सूर्य को कैसे निकल सकता है। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि मैं सूर्य के हर सिस्टम को जानूंगा। इसलिए बहुत बड़े योगी थे हनुमान जी। उनके कोई पूंछ नहीं थी, पूंछ के रहस्य को फिर किसी प्रवचन में बताऊंगा, उन रहस्यों की भी जानकारी दूंगा। रावण के साथ क्या क्या वार्तालाप हुई थी उनकी, वो रहस्य भी बताऊंगा। उनकी कैसे भक्ति थी, कितने बड़े वैज्ञानिक थे, इस सिद्धांत को भी समझाऊंगा। इसलिए आज जो जन्मदिन है वो उस महायोगी, वो अमर रहने वाले
हमारी सोच के साथ हमें आशीर्वाद देने वाले हनुमान जी का जन्मदिन है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको वो सब चीजें बताई जाएं कि जो हम आपस में युद्ध करते हैं। एक बार बहुत हनुमान जी के भक्त थे पान वाले, मैं वहां खड़ा था तो बड़ी तारीफ हो रही थी हनुमान जी की, तो मैंने बोल दिया, मैं क्या ऐसे से कुछ नहीं था, मैं कहा हनुमान जी तो ऐसे से बहुत बड़े योगी थे, तो मेरे से चिढ़ गए वो, मुझे उसके बाद नमस्ते भी नहीं करते थे। नहीं नहीं, मेरे हनुमान जी की तो पूंछ थी, मेरे हनुमान जी तो बंदरी थे, ऐसा नहीं था, वो परम योगी थे, क्योंकि राजा रानी दादा दादी नाना नानी उनका सब परिवार था, और उस परिवार में कोई व्यक्ति बंदर हो ही नहीं सकता, और बंदर उस सिद्धांत को जान ही नहीं सकता, बंदर 2000 पेजों की किताब लिख ही नहीं सकता, बंदर वार्तालाप कर ही नहीं सकता, और बंदर का बेटा मकरध्वज बन जाए तो वो राजा हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत सारे तत्व तो ऐसे हैं मेरे मित्रों, हिंदू धर्म बहुत गहरा है, बहुत डीप है, इसको समझने की आवश्यकता है। और मित्रों समय लगेगा आज मैं एक हनुमान जी जयंती के ऊपर, क्योंकि हनुमान जी बहुत बड़े योगी हैं, और हनुमान जी के जो देव और आराध्य देव भगवान राम, उनका मंदिर अभी तक नहीं बना, वो हमें भी कष्ट है, उसकी पीड़ा है। हम आज ये सोच रहे हैं कि हनुमान जयंती के ऊपर एक पीठ बनाने की घोषणा करते हैं, रामकृष्ण पीठ। इसमें हमारा उद्देश्य है कि हमारे सनातन धर्म के जो भगवान हैं, जो विष्णु के दोनों अवतार हैं, इनके अलावा हिंदू धर्म में आप अपने गुरुओं को मान सकते हैं, लेकिन इन्हीं की पूजा होनी चाहिए, हनुमान जी की भी पूजा होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो योगी हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं, राम और कृष्ण हैं, उनकी आराध्यता को, उनके प्रताप को, उनके ज्ञान को, गीता को, रामायण को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर हमने बहुत चिंतन किया है। बहुत जल्दी मैं रामापीठ की घोषणा करने के बाद आपसे मुझे मदद चाहिएगी, जो वाकई हिंदू धर्म के लिए काम करना चाहते हैं और जो वाकई राम मंदिर बनवाना चाहते हैं, उनकी मुझे मदद चाहिएगी। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हर बच्चा बच्चा जो हिंदू है वो राम के मंदिर को देखे जा करके, मैं चाहता हूं वो कृष्ण के मंदिर को, बिहारी जी के मंदिर को देखे जा करके। जब तक अगर आपने यही नहीं देखा, उत्तर प्रदेश सरकार ने सब्सिडी की घोषणा तो कर दी है कैलाश मानसरोवर की, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार हर उस गरीब को, हिंदू धर्म के उस गरीब को सब्सिडी की घोषणा करे टिकटों की, जो कि राम के मंदिर को देखें कि रामलला कैसे उसमें रह गए, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूं और हनुमान जी राम के भक्त हैं जी। तो फिर हम सब फिर भक्त किसके हो गए, फिर तो राम के ही हो गए, फिर कृष्ण के हो गए। इसलिए आपसे मुझे सहयोग चाहिएगा, और सहयोग सिर्फ मात्र में कोई बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़े सिर्फ एक व्यक्ति की टिकट फ्री दे। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने से व्यक्ति आए और राम के दर्शन करें, कृष्ण के दर्शन करें। जो समृद्ध हैं वो व्यक्ति हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो ट्रस्ट है ब्रजलोक चैरिटेबल ट्रस्ट, उस ट्रस्ट में अपना अनुदान दे सकते हैं, और ये बाकायदा लिखें कि मैं महीने में 10 लोगों की टिकट देता हूं या मैं 5 लोगों की टिकट देता हूं, और फिर उसको हम अनाउंस करेंगे टीवी के ऊपर और यहाँ ट्विटर फेसबुक के ऊपर भी कि भाई हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। वैसे तो हमारा ब्रजलोक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो धर्म के काम करता है, मंदिर निर्माण कराता है, धर्मशाला कराता है, वो सब हम करते हैं, लेकिन आप लोगों से ये उम्मीद रहेगी, मुझे उम्मीद है कि अगर आप वाकई सच्चे हिंदू धर्म के उपासक हैं, हनुमान जी को पा सकें, राम को पा सकें, कृष्ण को पा सकें, तो आप इसमें उन गरीबों को सहयोग करें जो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन गरीबी के कारण वो दर्शन नहीं कर पाते और ऐसे ही दुनिया से चले जाते हैं, मुझे उम्मीद रहेगी। तो आप सबको दोबारा से हनुमान जयंती पर, हमारे प्रभु योगी हनुमान जी के जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो दर्शकों आपने देखा कि हमारे आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर जस रावत जी ने आपको हनुमान जयंती के ऊपर हनुमान जी के बारे में आपको जानकारी दी। तो दर्शकों इसी श्रृंखला में हम नए विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे। आप दर्शकों आपसे अनुरोध है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप ज्योतिष मंच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि गुरु जी ने कहा कि वो एक योगपीठ की स्थापना कर रहे हैं राम मंदिर बनवाने की, तो उसमें अगर सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों अभी हमें दीजिए इजाज़त।
अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।